अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले सेशन में हमने बात की कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस जो है वो आइडियाज़ को इनोवेटिवली अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसलेट करने का नाम है थ्रेटिकली ये बात समझ आती है लेकिन हम इसको कुछ केस स्टडीज़ के ज़रिए से कि कैसे लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया डेमॉन्सट्रेट करेंगे पहली केस स्टडी जो है उससे आप फेमिलियर हैं कई दफ़ा पहले इसका रेफरेंस आ चुका है अशोका, बिल बिलड्रेटन की ऑर्गेनाइजेशन अशोका जिसने एक्चुअली टर्म सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को दुनिया में पॉपुलर किया हम अशोका की केस स्टडी के जरिए से देखेंगे कि कैसे बिलड्रेटन ने एक आइडिया जो कंसीव किया उसको हाउ इनोवेटिवली ही इम्प्लीमेंटेड एंड क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस आज अशोका का जो स्लोगन है वो है कि एवरी वन इज़ अ चेंज मेकर तो यहाँ तक जो अशोका का सफ़र है वो कैसे हुआ हम इस पर बात करेंगे पिछले मॉड्यूल्स में बात हुई आपको याद होगा बिल रेटन अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे उन्होंने इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया एक ऐसे टाइम पर नाइनटीन सेवेंटीज़ में जब इंडिया में बहुत सारे इंडिविजुअल्स ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ख़ुद अपने लिए सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर माशरे में कुछ तब्दीलियाँ लाने की कोशिश कर रहे थे उसमें ह्यूमन राइट्स से लेकर दौलत जो उनकी कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स से लेकर सड़कों और नालियों के प्रोजेक्ट्स तक हर तरह का काम शामिल था हर तरह की चेंज शामिल थी बिल रेटन वाज़ फैसिनेटेड विद दीज पीपल कि ये लोग कैसे सोच पाते हैं कि हमने ये काम करना है ये कितने कमिटेड हैं ये जरूर कि ये ज़रूर करेंगे हालांकि उनमें से मसलन बहुत सारे लोग हाई कास्ट लोग थे लेकिन वो लो कास्ट लोगों के लिए काम कर रहे थे उसके लिए ये बहुत एक सारा फैसनेटिंग सीन था उसने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और उसने नोट किया कि ये वो लोग हैं जिनके पास एक आइडिया है और उनकी कमिटमेंट है कि वो इस आइडिया को ज़रूर प्रैक्टिकल शेप में लाएंगे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे सो so, बिल्ट्रेटर ने जो पिक किया आइडिया वो था लोगों का सोशल एंटरप्रन्यस का पोटेंशियल दैट ऑल दीज पीपल है पोटेंशियल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज कि ये लोग तब्दीली ला सकते हैं अब इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना था कि ये लोग वाकई तब्दीली ला सकें लेकिन सूरत हाल ये थी कि उनमें से ज्यादातर लोग जो है वर स्ट्रगलिंग कुछ के पास पैसे नहीं थे आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन पैसे नहीं थे कुछ जो है उनको अपनी रोजी रोटी की फिक्र पड़ी हुई थी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे पर ज़्यादा अरसा चला नहीं पाते थे और कुछ के पास स्किल्स नहीं थी उस काम को करने की उन्हें लोगों को हायर करना पड़ता था तो मुख्तफ किस्म के उनको प्रॉब्लम्स थे अब जो रेगुलर प्रैक्टिस है आज तक दुनिया में फिलम की वो तो ये होता कि बिल्ड रिटर्न कहीं से पैसे जमा करते और इन लोगों को देते लो भाई आपने जो आइडिया सोचा इसको प्रैक्टिस कर लो लेकिन बिल रेटन वॉज क्वाइट इनोवेटिव बिल रेटन ने बजाय उनको उनके आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे देने के उन लोगों को सपोर्ट करने का सोचा उसने सोचा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इन लोगों को इनकी लाइफ में सेटल होने में सपोर्ट करे ताकि ये अपने आइडिया को सिंगल माइंडेडली बेफिक्रके इंप्लीमेंट कर सकें उसने अशोका की बुनियाद रखी अशोका का काम दुनिया से ब्रिलियंट आइडियाज़ के साथ जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना था उनको अशोका फेलोशिप के ज़रिए से कोई तकरीबन तीन एक हज़ार डॉलर जो है पर मंथ उनको वो पैसे देते थे ताकि वो अपने रोज़ी रोटी की फ़िक्र से बेफिक्र हो जाएं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और अपने आइडिया को जो है इम्प्लीमेंट करने पर फोकस कर सकें सो दिस वॉज़ द इनोवेटिव आइडिया बजाय सर्विस डिलीवरी पर पैसे लगाने के उसने ह्यूमन कैपेसिटी एंटरप्रन्योर को बिल्ड करने पर तवज्जो दी दिस आइडिया पेड ऑफ इयर्स ऑन, बिल्ड रेटन को इस आइडिया पर मैकार्थर अवार्ड मिला जिसको दुनिया में जीनियस का अवार्ड कहा जाता है कि कोई बहुत ही इनोवेटिव चीज कोई करे तो उसको यह अवार्ड दिया जाता है इंप्लीमेंट उसको कैसे किया बिल ने पहले इंडिया से उसके बाद ब्राज़ील मेक्सिको बांग्लादेश और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तकरीबन 1992 कंट्रीज़ से तकरीबन पैंतीस सौ चार हज़ार के दरमियान अशोका फैलोस आइडेंटिफाई किए ये वो लोग हैं जिनको अशोका फेलोशिप पे की जाती है ये आपस में नेटवर्किंग करते हैं एक दूसरे की एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाते हैं एक दूसरे के साथ कलेबरेट करते हैं और अपने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं इनमें से 80 परसेंट लोग एक्चुअली कुड इम्प्लीमेंट देयर आइडिया और हर अशोका फेलो एक एस्टिमेट है कि तकरीबन वन सेवेंटी लोगों को फायदा दे रहा है अगर 3000 लोग वन सेवेंटी लोगों को पहुंचते हैं और उनको बेनिफिट देते हैं तो आप सोचें माशरे में कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है और ये दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स में ये सारे लोग फैले हुए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जिंदगियों को बदल रहे हैं दिस इज़ हाउ बिल्ड रिटर्न चेंज हिज आइडिया इन टू अ प्रैक्टिस इन टू एन अपॉर्चुनिटी थैंक यू